दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वालों के कंप्यूटर में ब्लूटूथ का ऑप्शन है, यहाँ पे मेरा नहीं आ रहा है, तो उसको मैं कैसे लाना है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, हम कई सारे जो विंडोज 7 का कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, तो जैसे हम टास्क बार में क्लिक करते हैं, तो यहाँ से हमारा जो ब्लूटूथ का ऑप्शन है, यहाँ पर हमारा नहीं आ रहा है। जो ब्लूटूथ का ऑप्शन होता है, यहाँ से हमारा टास्क बार में जो शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आपका कंप्यूटर में जो ब्लूटूथ है, यहाँ से आपका शो नहीं हो रहा है। जो ब्लूटूथ है, यहाँ से आपका नहीं आ रहा है, तो उसको आपको कैसे ला सकते हो और आपका पीसी में ब्लूटूथ को कनेक्ट कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका पीसी में चेक करना है कि आपका पीसी में जो ब्लूटूथ है, वही आपका इंस्टॉल है या नहीं है। तो चलो मैं आपको चेक करके और ऑप्शन ला के आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और क्लिक करके आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल को ओपन करके डिवाइस मैनेजर को ओपन कर देना है। तो जैसे आपको ओपन करते तो कई सारे जो ड्राइव है, यहाँ से आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो आपका जो ब्लूटूथ का ऑप्शन है, यहाँ से आपका टास्क बार में जो डिवाइस मैनेजर में, यहाँ से आपका शो नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से आपका कंप्यूटर में ब्लूटूथ का ऑप्शन है, वही आपका नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे कंप्यूटर में ब्लूटूथ का ऑप्शन को लाना है, ब्लूटूथ को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो एक डिवाइस है, वही आपको लेना है। तो चलिए, ऐसे मैं आपको लाइव प्रूफ करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपका कंप्यूटर में सबसे पहले जो यूएसबी एडाप्टर है, वही आपको लगाना पड़ता है, तभी आपका पीसी में जो ब्लूटूथ है, उसका जो ऑप्शन है, यहाँ से आपका शो कर सकते हो। तो चलिए, ऐसे मैं आपको लाइव प्रूफ करके और ब्लूटूथ को कनेक्ट करके आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको यहाँ पे जो यूएसबी ब्लूटूथ एडाप्टर है, वही आपको सीपीयू में कनेक्ट करना है। तो हमारे पास जो विंडोज 7 का पीसी है, तो उसमें जो सीपीयू है, उसके जो पीछे यूएसबी, यहाँ से आपको यूएसबी में कनेक्ट करना है। तो यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे वेट करना है और यहाँ से आपका जो डिवाइस मैनेजर में और टास्क बार में, दोनों में ब्लूटूथ का ऑप्शन है, वही आपका शो हो जाएगा। तो गाइस, स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ से मैं आपको शो करके बताने वाला हूँ। तो सही से ब्लूटूथ का आइकन है, यहाँ पे हमारा आ चुका है, ब्लूटूथ का ऑप्शन है, यहाँ पे हमारा शो हो चुका है। तो इसी तरह आपको यहाँ पे किसी भी डिवाइस में, किसी भी पीसी में ब्लूटूथ का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आपको शो कर सकते हो। कनेक्ट करना है तो एड ब्लूटूथ डिवाइस पे क्लिक करके, किसी भी आपका डिवाइस ऑन है, वही आपको ऑन करके यहाँ से आपको कनेक्ट पे कर सकते हो। तो सही से हमारा जो डिवाइस है, यहाँ से हमने कनेक्ट पे कर दिया है। तो इसी तरह आपको यहाँ पे विंडोज 7 पीसी में ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको कैसे लाना है, तो जितना प्रोसेस था वही मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट बता दिया है कि वाईफाई एडाप्टर है, वही आपको पीसी में लगा के ब्लूटूथ का ऑप्शन है, यहाँ से आपको शो कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करना। तो चलो मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।